सब्सक्राइब कीजिए AQ Tech हिंदी चैनल को और दबाइए इस बेल बटन को टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ ऑटो प्ले वीडियो कैसे डिसेबल करते हैं गूगल क्रोम में और मोज़िला फायरफॉक्स में। तो दोस्तों, आपको इसको टिप्स को यूज़ करने के लिए आपको कोई एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको इस PC में ये बिल्कुल इनबिल्ट ऑप्शन है। तो इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए दोस्तों। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के नीचे जो रेड बॉक्स में सब्सक्राइब का बटन है उसके ऊपर क्लिक करके सब्सक्राइब करें। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। दोस्तों, आपको सबसे पहले गूगल क्रोम ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर सर्च बार में जो है टाइप करना है chrome:// उसके बाद आपको #autoplay-policy ओके, ये टाइप करके आपको इंटर प्रेस कर देना है। उसके बाद आप यहां पर देख सकते हैं ये जो है ऑटो प्ले है। तो आपको यहां पर एक और ऑप्शन देखने को मिलता है डिसेबल का, तो आपको इस एरो के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद डॉक्यूमेंट यूजर एक्टिवेशन इज रिक्वायर्ड, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। उसके बाद रेल लॉन्च नाउ के ऊपर क्लिक कर देना है ओके। उसके बाद आपके क्रोम में ये जो भी है डिसेबल हो जाएगा, ऑटो प्ले वीडियो जो है डिसेबल हो जाएंगे। उसके बाद आपको मोज़िला फायरफॉक्स में कैसे करते हैं वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। तो मोज़िला फायरफॉक्स ओपन कर लेते हैं यहां पर। उसके बाद मोज़िला फायरफॉक्स के भी सर्च बार में आपको टाइप करना है यहाँ पर about/config:filter=autoplay ओके। उसके बाद आपको यहाँ पर फिर से इंटर प्रेस कर देना है। प्रेस करने के बाद आपको यहाँ पर शो दिस वार्निंग नेक्स्ट टाइम, तो इस बॉक्स को हम इनचेक कर लेते हैं। उसके बाद आई एक्सेप्ट द ट्रिक्स इसके ऊपर क्लिक करते हैं। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर मीडिया ऑटो प्ले एनेबल्ड ये जो दिख रहा है आपको इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ पर डबल क्लिक करना है। उसके बाद डबल क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो है फॉल्स हो गया है। पहले ट्रू था तो अब ये फॉल्स हो गया है। तो आप इस तरीके से इसको डिसेबल कर सकते हैं ऑटो प्ले वीडियो को मोज़िला फायरफॉक्स में भी। तो गाइस, आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के नीचे जो रेड बॉक्स में सब्सक्राइब का बटन है उसके ऊपर क्लिक करके सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें।